हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे ही खूबसूरत स्थान पे जो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है, जहाँ पहुँचना भी काफ़ी आसान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल, स्वागत है आपका मेरे चैनल UK01 ब्लॉग्स पे। तो आज का सफ़र शुरू होता है हमारा शाही देवी शीतला खेत के लिए। देवभूमि उत्तराखंड अल्मोड़ा के शीतला खेत से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाही देवी मंदिर का सफ़र बेहद ही खूबसूरत और आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। अल्मोड़ा से लगभग 45, रानीखेत से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। साथ ही पन्नगर हवाई अड्डे से करीब 150 किलोमीटर और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पे स्थित यह मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर का दृश्य काफी शांत और शीतलता प्रदान करता है और मंदिर की भव्यता का भी एहसास कराती है। लगभग 9वीं-11वीं सदी में बना यह मंदिर का निर्माण कतुरी राजाओं के द्वारा पूर्ण किया गया है। यह मंदिर चंद्र राजाओं की कुल देवी शाही देवी लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक टीले पे स्थित थी, जहाँ का पौराणिक नाम पुरस्या माना जाता है। कतुरी राजाओं द्वारा एक रात्रि में इस मंदिर का निर्माण इस स्थान पर कर दिया गया था। तब से इस स्थान का नाम शाही देवी प्रचलित है और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने 4 रात्रि ध्यान में बिताए हुए हैं। साथ ही यह मंदिर की यह मान्यता है, माता की आरती के बाद 1.25 शेर का भोग निकट ही भैरव मंदिर पे चढ़ाना अति आवश्यक है, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जाती है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह स्थान हिमालय दर्शन के लिए भी प्रचलित है और मंदिर के प्रांगण में विशालकाय वृक्ष की आकृति निकट ही अल्मोड़ा से शेर के आकार का दिखाई पड़ता है और यहाँ मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात श्रद्धालु लोग घंटी, चुनरी और अनुष्ठान भी करवाते हैं और हर नवरात्रि में भागवत कथा का रसपान भक्तों को कराया जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। गर्भगृह में रखी मूर्ति का भी एक अलौकिक इतिहास रहा है। सूर्य उदय के पश्चात मूर्ति का रंग सुनहरा दिखाई पड़ता है और दोपहर में काली दिखाई पड़ती है। सायंकाल में यह श्याम वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।